इकोना कस्बे के दाई माता मंदिर निर्माण हेतु जिला पंचायत अध्यक्ष ददन मिश्रा व नगर अध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता ने रखी नींव। सावस्ती जनपद के इकोना कस्बे के दाई माता मंदिर निर्माण का मामला जहां पर आज जिला पंचायत सावस्ती अध्यक्ष ददन मिश्रा व नगर अध्यक्ष जितेंद्र कुमार गुप्ता ने मां भगवती भगवत दाई माता मंदिर निर्माण हेतु नींव रखी। इकोना इलाके के गौतम नगर निकट बस स्टॉप का भूमि पूजन एवं भव्य कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। कार्यक्रम का संचालन नरेश खोसला द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय ददन मिश्रा अध्यक्ष जिला पंचायत सावस्ती रहे। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व जिला अध्यक्ष शंकर दयाल पांडे मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के आयोजक जीतन कुमार गुप्ता अध्यक्ष नगर पंचायत इकोना के द्वारा उपरोक्त मुख्य अतिथि व विशेष अतिथियों का भव्य स्वागत करते हुए इसमें चिन्ह व अंग वस्त्र भेंट किया गया। साथ ही यहां पर भूमि पूजन कर मंदिर निर्माण का कार्यक्रम आगे बढ़ाया गया। इस दौरान तमाम लोग मौजूद रहे, जिनमें बड़कऊ बाबा दास, जीतन शुक्ला, बबलू प्रधान, नारायण तिवारी, ठाकुर त्रिपाठी, पाटेश्वरी, पूजा पांडे, सुरेश त्रिपाठी, महादेव तिवारी, राजकिशोर मरबा, प्रशांत तिवारी, सजीत खोसला आदि लोग मौजूद है, जिनकी मौजूदगी में इस भव्य कार्यक्रम का इकोना कस्बे में आयोजन किया गया। इकोना इलाके के बेलहा राघव में हुए अग्निकांड के मामले में अपर पुलिस अधीक्षक सावस्ती का बयान आया सामने। सावस्ती जनपद के बेलहा राघव का मामला थाना नवीन मॉडर्न सावस्ती के गांव बेलहा राघव के अंतर्गत रामबरन के झोपड़ी में आग लग गई दोपहर में अचानक, और झोपड़ी जलने लगी। पड़ोसी राम सुमरन के झोपड़ी में भी आग लगी, जिसमें रामबरन की झोपड़ी में उसकी 3-4 वर्ष की पुत्री क्रांति थी, वो भाग नहीं पाई और उसकी मृत्यु हो गई जलकर। घर का खाने पीने का सामान, गेहूँ चावल आदि घरेलू सामान भी जलकर नष्ट हो गया है। फायर सर्विस और लोगों ग्रामीणों की मदद से आग को बुझा लिया गया है। पुलिस प्रशासन, उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी मौके पर हैं। आवश्यक मदद एवं वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। इकोना इलाके के तिलकपुर में चल रहे 9 दिवसीय श्री चंडी महायज्ञ के 5वें दिन उमड़ा जनसैलाब। सावस्ती जनपद के इकोना इलाके के तिलकपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर 9 दिवसीय श्री चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर आज 5वें दिन जनसैलाब उमड़ा। इस दौरान अध्यक्ष संतोष कुमार, कोषा अध्यक्ष यशवंत सिंह चौहान, संचालक पंडित मोहित मिश्रा, हाकिम सिंह, गौतम प्रधान, बबलू चौधरी, अमरीश शुक्ला, स्वामीनाथ राम प्रताप चौहान समेत भारी तादाद में ग्रामीणों का जमावड़ा लगा रहा। सावस्ती जनपद के इकोना इलाके के तिलकपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर 9 दिवसीय श्री चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। बढ़ती हुई भीषण गर्मी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूलों के टाइम में किया बदलाव। 7:30 बजे से 12 बजे तक खुलेंगे विद्यालय। सावस्ती जनपद के इकोना इलाके की ये तस्वीरें, जहां पर भीषण गर्मी के चलते मासूम छात्र परेशान हो रहे थे, जिसको देखते हुए प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी किया है कि स्कूलों के समय में बदलाव किया जाएगा। अब प्राथमिक विद्यालय सुबह 7:30 बजे से लेकर 12 बजे तक खोले जाएंगे, जिससे परिषदीय विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को भीषण गर्मी में काफी परेशान न होना पड़े। सावस्ती जनपद के इकोना इलाके की ये तस्वीरें हैं, जहां पर प्रदेश शासन की तरफ से समय में बदलाव किया गया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर इकोना पुलिस ने इकोना कस्बे में स्थापित बैंकों का किया निरीक्षण, सुरक्षा का दिलाया एहसास। सावस्ती जनपद के इकोना कस्बे का मामला, जहां पर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्या के दिशा निर्देश पर
पुलिस ने इकोना इलाके के बैंकों का निरीक्षण कर बैंक के सुरक्षा व्यवस्था परखी, साथ ही लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया। इस दौरान बैंक में खड़े लोगों से पूछताछ भी की गई, जिसके बाद संतोषजनक जवाब मिलने पर उन्हें इजाजत मिली। इकोना अस्पताल में दवा उपचार कराने आए 62 लोगों की स्वास्थ्य विभाग ने किया कोरोना जांच। सावसी जनपद के इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला, जहां पर आज दवा उपचार कराने आए 62 लोगों की कोरोना जांच की गई। सावसी जनपद के इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रयोगशाला में सीएससी अधीक्षक के निर्देश पर स्वास्थ्य कर्मियों ने आए हुए लोगों का कोविड टेस्ट किया और सभी के सैंपल लेकर जांच के लिए लखनऊ भेजा, जिससे कोरोना संक्रमण के बारे में पता चल सके। इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीरें हैं, जहां पर हेल्थ कर्मियों ने आए हुए लोगों की कोरोना जांच की। इकोना बलरामपुर मार्ग के कटरा बाईपास पर डीसीएम हुई अनियंत्रित, नाले से टकराई, चालक परिचालक की बची जान। सावस्ती जनपद के नवीन मॉडर्न थाना सावस्ती इलाके के कटरा बाईपास का मामला, जहां पर एक डीसीएम अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने नाले से टकरा गई। इस हादसे में डीसीएम क्षतिग्रस्त हुई, जबकि चालक परिचालक ने कूद कर अपनी जान बचाई। सावस्ती जनपद के नवीन मॉडर्न थाना सावस्ती इलाके के कटरा बाईपास का यह पूरा मामला है, जहां पर डीसीएम अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने हुए नाले से टकरा गई। इस हादसे में डीसीएम क्षतिग्रस्त हुई, जबकि चालक परिचालक की जान बच गई। इकोना कस्बे में अभियान चलाकर विद्युत विभाग ने विभिन्न मोहल्लों में पहुंचकर काटे 7 बकाया दारों के कनेक्शन। सावस्ती जनपद के इकोना कस्बे का मामला, जहां पर विद्युत विभाग की तरफ से अभियान चलाया गया और बकाया दारों के विरुद्ध अभियान चलाते हुए इकोना इलाके के बाईपास, अस्पताल रोड व गौतम नगर तथा अन्य मोहल्लों में पहुंचकर 7 लोगों के कनेक्शन काटे गए। सभी कनेक्शन काटकर सभी को नोटिस दी गई। सावस्ती जनपद के इकोना कस्बे की ये तस्वीरें हैं, जहां पर विद्युत विभाग के अधिकारियों के निर्देश पर विद्युत कर्मचारियों ने अभियान चलाते हुए 7 बकाया दारों के कनेक्शन काटे। इकोना कस्बे के 33 केवीए अंडरग्राउंड लाइन की टेस्टिंग में जुटे अधिकारी व कर्मचारी। सावस्ती जनपद के इकोना पावर हाउस का मामला, जहां पर विद्युत विभाग के अधिकारी, कर्मचारी व बाहरी टीम आकर 33 केवीए लाइन के टेस्टिंग में जुटी है, जिससे इकोना के पावर हाउस के 33 केवीए अंडरग्राउंड केबिल के फॉल्ट को दूर किया जा सके और इकोना वासियों की सुविधा हो सके। इकोना इलाके के पावर हाउस की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बाहर से आए अधिकारी, कर्मचारी व इंजीनियर लगातार टेस्टिंग व अन्य कार्यों में जुटे हैं, जिससे आपूर्ति को बहाल कर लिया जाए।